सैयद भी है, मिर्जा भी है, शेख भी है, ये तो बता मुसलमान भी है। आज फैसिस्ट लोग, फिरखा परस्त लोग हिंदुस्तान भर में अपने गंदे मंसूबे के तहत हिंदू मुसलमानों में नफरत फैला रहे हैं। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, हिंदू मुसलमानों को सिखों को डिवाइड कर हुकूमत करते थे, ये बीजेपी हुकूमत या आरएसएस के लोग जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। यति नरसिंह आनंद आए दिन मेरे आखा की शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल्लिल आलमीन की शान में आए दिन गुस्ताही करते आ रहा है। हमारे कायदीन जो मुसलमानों के वोट लेकर जो पार्लियामेंट असेंबली में आवाज उठाते हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं सियासी मुद्दों पर, नामूसी रिसालत का मसला आता है, मेरे आखा का मसला आता है, तो उनकी जबानों को लगाम लगती है। बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। कौम बुजदिल नहीं, क़यादत बुजदिल है। जब भी नामूस रिसालत का मसला आता है तो कौम सड़कों पर उतरते हुए नजर आती है, नौजवान सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं और अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, एहतजाज करते हैं मुल्क के संविधान दस्तूर हिंद के मुताबिक। पर हमारे कायदीन अपनी जबानों से एक अल्फाज नहीं निकालते, बड़े शर्म और अफसोस की बात है। और यूपी पुलिस, यूपी का सीएम नरसिंह आनंद को दामाद समझता है, क्या समझता है पता नहीं। इतनी बड़ी गुस्ताखी होने के बाद खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात करता है, खुलेआम नफरत फैलाने की बात करता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, कानून के खिलाफ बोलता है, दस्तूर हिंद के खिलाफ बोलता है, कानून को जलाने की बात करता है, गांधी जी के खिलाफ बोलता है, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। मैं गुलबर्गे के गयूर मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं, यानी कल 7 अक्टूबर मंडे के दिन योगी के खिलाफ और यूपी पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज रखा है, मुल्क के संविधान दस्तूर हिंद के मुताबिक हमने एहतजाज रखा है। मैं तमाम गुलबर्गे के मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि आप इस एहतजाज में आकर जो जगह सर्कल से डीसी ऑफिस तक एक रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर उलमाए कराम भी आ रहे हैं, हर एरिया से नौजवान आ रहे हैं, आसपास के देहातों से भी लोग आ रहे हैं, मैं गुलबर्गे के गयूर मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं कल ठीक 11 बजे आकर इस रैली को, इस एहतजाज को आप कामयाब करें। मैं शेख मोहम्मद उमर, आज आपके सामने आने का मकसद यह है कि कुछ दिन पहले जो नरसिंह आनंद की एक बेहुदा हरकत हुई है, आज वो मकसद से मैं आपके सामने आया हूँ। और एक जो बड़ी अफवाह है कि नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया गया है, आज उसका एक छोटा सा खुलासा करना चाहता हूँ आपके सामने कि नरसिंह आनंद को अरेस्ट नहीं किया गया है, उसको डिटेन किया गया है। मिसाली एतवार से मिसाल देता हूं आपको कि नरसिंह आनंद को कुछ वक्त के लिए बुलाया गया और उसको एक सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे बुलाते हैं वैसे सिक्योरिटी देकर उसको, जो हमारा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह कल जो एक प्रोटेस्ट होने वाला है, हमारी मांग उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उत्तर प्रदेश के सीएम से ये मांग है कि उसको अरेस्ट करें और उसको उसको फांसी की सूली पर चढ़ा दे, क्योंकि आए दिन ये नरसिंह आनंद की जो बेहुदा हरकतें हो रही है उसको देखते हुए कुछ वजूद पैदा हो रहे हैं कि आए दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो रही है और यहाँ पर ये एक नए 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 वजूद आएंगे तो इंशाल्लाह जो मुसलमान है वो चुप नहीं रहेंगे, और अगर ये लोग शान नबी की गुस्ताखी करते रहेंगे तो उसका बराबर हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं हर मुसलमान को, गुलबर्गा के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी गुलबर्गा के अतराफ के देहात के मुसलमान हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि कल सुबह 10:30 बजे जगत सर्कल पर आकर अपने आप को पेश करें
मेरे नबी के लिए पेश करें अपने आप को, और जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक एक मार्च होगी, वहां पर जाके अपना गुस्सा जाहिर करना इंशाल्लाह। तो मेरी यही अपील है कि कल सुबह 10:30 बजे सब इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह पहुंचने की फिक्र करें।